रेस्टोरेंट्स और आइसक्रीम पार्लर बन रहे लवर्स पॉइंट्स। आज बात करते हैं अभी जो यौवनावस्था में लड़के लड़कियां घर से निकल जाना, भाग जाना, उसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, नागपुर यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले कुछ महीनों में अकोला जिले में, हमारे जिले में 57 महिला और लड़कियां बेपत्ता हुई थी, लापता हुई थी। अब इसमें से 46 महिला और लड़कियों को वापस लाने में पुलिस को यश मिल गया, मगर बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि उनमें से कईयों ने बाद में जिनके साथ में वो भाग के गए थे उसके साथ में लव मैरिज किया। 11 लड़कियां तो वापस आने को नकार दिया, हमको आना ही नहीं वापस, उनने आने को ही मना कर दिया। तभी ये जो स्थिति है ये काफी गंभीर होते जा रही है। काफी पालक मेरे पास में लड़के लड़कियां लाते हैं और बोलते हैं अभी इनको हिप्नोटाइज करो, इनके मन में वो लड़का बैठा हुआ है, लड़की के मन में वो लड़का बैठा हुआ है, उसको निकालना है। या लड़के को लाते बोलते वो लड़की बैठी है वो निकालना है, मतलब ऐसे इस तरह से। और कोई जाति धर्म का किसी को रहा नहीं है। और फेसबुक से दोस्ती हो जाती है, व्हाट्सएप पे दोस्ती हो जाती है, व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स है जिसमें प्रपोज कर लेते हैं एक दूसरे को और फिर उसमें से वो भाग के चले जाते हैं। अकोला नहीं, बाकी भी जगह, मतलब कहीं आप जाते हैं तो अंधेरे अंधेरी जगह जो है सिटीज में, वो जगह में रेस्टोरेंट्स में, आइसक्रीम पार्लर में, आपको कई लड़के लड़कियां अंधेरे में या आइसक्रीम पार्लर में, रेस्टोरेंट में दिखेंगे गप्पे मारते हुए और वो एक लवर पॉइंट्स ही बन गए। स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन क्लास जाना करके घर से निकल जाते हैं और वहाँ कोचिंग क्लास में या स्कूल कॉलेज में पहुँचते नहीं है। 10वीं पास होते हैं तो तुरंत बच्चों को मोबाइल होना, बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ होना, और पालक भी ऐसे कि आजकल बहुत पैसा है लोगों के पास में, इजीली कोई भी चीज़ मिल जाती है, इंस्टॉलमेंट्स पे, ईएमआई के ऊपर फ़ोन मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, अच्छे अच्छे फ़ोन गाड़ियाँ खरीदते हैं। और फिर ये बच्चे क्या दिए लगाते हैं बाहर जाके, ये माँ बाप को मालूम ही नहीं रहता है। माँ बाप का अंधविश्वास उनके ऊपर रहता है कि नहीं नहीं वो लड़का बराबर होगा, मगर माँ बाप ने देखना जरूरी है कि भाई कर रहे क्या है, कहाँ जाते हैं, अपना टाइम कहाँ गंवा रहे हैं, अपने कमरे में बैठते हैं तो कितने घंटे फ़ोन के साथ में खेलते रहते हैं। लड़की शाम के समय घर में आती नहीं है तो जाती कहाँ है वो, इतने समय तक उसका ट्यूशन क्लास चालू था क्या, कहाँ घूम रही थी, किसके साथ में घूम रही थी, ये ट्रैकिंग होना जरूरी है। अभी तो हम डिजिटल वर्ल्ड में है, अभी कहीं भी ट्रैकिंग बहुत ही आसान है गूगल पे से तो, और ट्रैकिंग कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो फिर माँ बाप ने इनके ऊपर नज़र रखना जरूरी है। तो फिर ये नहीं तो फिर ये बहुत बड़ी, ये जैसी कोरोना महामारी घोषित किया वैसी महामारी हो जाएगी, मतलब इतना एपिडेमिक अभी हमारे देश में आ रहा है, ये फॉरेन कल्चर हमारे देश में भी आ रहा है। बच्चे 10वीं क्लास के बाद में माँ बाप का मानती नहीं। अच्छा, ट्यूशन क्लास के कई लोगों से मैंने बातचीत किया, ट्यूशन क्लास के संचालक लोगों से, मतलब आपको जब मालूम है कि आपके क्लास के बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं या क्लास में बैठे बैठे व्हाट्सएप के ऊपर गेम्स खेलते रहते, सॉरी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस या गेम्स खेलते रहते मोबाइल के ऊपर, तो आप बोलते क्यों नहीं? आपको मालूम है कि वो जो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, जहाँ उन्होंने किराए से लिया हुआ है, जहाँ हॉस्टल में है, वहाँ बराबर वो रहते नहीं है, उनके संबंध बराबर नहीं है, तो आप बोलते क्यों नहीं है? बोले हम क्यों बोलेंगे, हम बोलेंगे तो हमारा बिजनेस मार खाएगा। मतलब माँ बाप कोई इन्फॉर्म ही नहीं करते, ना कॉलेज इन्फॉर्म करता है, ना कोचिंग क्लास भी इन्फॉर्म करता है। उनको लगता है कि हम ऐसा बोलेंगे, पालक हमारे ऊपर ही कुछ बोलेंगे, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, हमारे कोचिंग क्लास का, हमारे कॉलेज का नाम बदनाम हो जाएगा, वो कुछ बोलते भी नहीं है। पालक लोगों को लगता है कि अपने बच्चे बराबर जा रहे, बराबर पढ़ाई कर रहे। तो ऐसे इसमें पालकों ने बहुत सतर्क रहना जरूरी है, और वो नहीं रहेंगे तो आगे चल के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में निर्माण होने वाला है। और जो फॉरेन में भी हो रहा है, अलग अलग देश विदेश में जो हो रहा है, तो वो हमारे यहाँ होने को कुछ समय लगेगा नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।